एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट 2019। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विद्युत है और आप लोग देख रहे हैं न्यू जॉब। दोस्तों, ये ऑल इंडिया जॉब है, यानी इंडिया के किसी भी स्टेट से आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज उसी के बारे में जानकारी दूंगा, तो शुरू से लेकर आखिर तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो अपलोड करता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ में एप्लीकेशन फ़ीस का अगर बात करें तो जनरल वालों के लिए 500, SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट्स और EWS के लिए 250 रखा गया है। पेमेंट मोड जो है वो ऑनलाइन ही आप लोगों को पेमेंट करना है। इम्पोर्टेंट डेट का अगर बात करें तो स्टार्टिंग डेट जो है वो 30 मई से लेकर लास्ट डेट जो है अप्लाई का वो 25 जून तक है। और फर्स्ट फेज में जो एग्ज़ाम होगा वो 30 से लेके 31 जुलाई तक होगा, जिसका डाउनलोड करना पड़ेगा कॉल लेटर। वो 20 से लेके 30 जुलाई तक आप लोगों का कॉल लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। मेन एग्ज़ाम जो होगा सेकंड फेज में, उसका जल्दी निकल के आएगा, अभी फ़िलहाल दिया नहीं है। रिजल्ट आउट के बाद फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट आउट होगा उसके बाद ही आप लोगों को मिल जाएगा। एज लिमिट का अगर बात करें तो 20 से लेके 27 ईयर्स आपका अगर एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से SC ST और OBC वालों को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रहेगा। क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो अगर आप डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 25 जून 2019 यहाँ पे जो डेट दिया गया है, इसी डेट तक आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो अगर आप डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पोस्ट जो है वो असिस्टेंट का है और वैकेंसी जो है टोटल वैकेंसी वो 280 है। दोस्तों, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं नोटिफिकेशन का लिंक दे दूँगा और वेबसाइट का भी लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 30 मई से। और नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो इस वेबसाइट में दिया नहीं गया है, तो चलिए उस इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को दोस्तों ये है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी EPFO का ओरिजिनल वेबसाइट से लिया गया नोटिफिकेशन, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सैलरी जो रखा गया है वो 44,900। बाकी एज के बारे में यहाँ पे हम आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी दिया गया है। इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, बाकी जो वैकेंसी है SC को कितना मिलेगा, जनरल को कितना मिलेगा, ST OBC जो मिलेगा, सारा जानकारी आप लोग यहाँ से पा सकते हैं। बाकी PWD वालों के लिए भी जो वैकेंसी रखा गया है वो भी आप लोग जान सकते हैं यहाँ से। बाकी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जैसे 23 पेज में कुछ है। मैं मोबाइल से कर रहा हूँ तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या जो एग्ज़ाम पे रहेगा वो आप लोग देख सकते हैं। इंग्लिश रहेगा जिसमें 30 मार्क्स रहेगा, और रीजनिंग रहेगा जिसमें 35 मार्क्स रहेगा। बाकी एप्टीट्यूड रहेगा न्यूमेरिकल जो 35 मार्क्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा वो 100 रहेगा। टाइम जो रहेगा वो 60 मिनट रहेगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगा 1/4 का, यानी 4 क्वेश्चन अगर गलत होगा तो आपका 1 मार्क जो सही रहेगा वो काटा जाएगा। बाकी सेकेंड फेज में जो एग्ज़ाम होगा इसके बारे में भी आप लोग डिटेल्स यहाँ से जान सकते हैं। रीजनिंग रहेगा जिसमें मार्क्स 60 रहेगा, रीजनिंग इंटेलिजेंसी। और इसके अलावा जनरल इकोनॉमी फाइनेंशियल, उसमें 40 मार्क्स रहेगा जिसमें 20 मिनट्स रहेगा। और ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पे सारा जानकारी मिल जाएगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 का। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो सेंटर है
किस स्टेट में क्या सेंटर रहेगा उसके बारे में आप लोग जान सकते हैं, जहाँ से आप लोग फॉर्म फिल करने के टाइम आप लोग अपना सेंटर कहाँ पे होना है वो आप लोग दे सकते हैं। दोस्तों अगर इस इंफॉर्मेशन के ऊपर आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई देने का। और दोस्तों ऐसे जॉब से रिलेटेड जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए दीजिए इजाज़त, गुड बाय, फिर मिलेंगे किसी दूसरे दिन किसी दूसरे जानकारी के साथ। ओके गुड।